أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين उस्लात अ रसूल नबीमी वलअबी वजह वसल् तसलीम कसीरा फ़ाउबिल्ल समील आलमिनैतम मिन हमज़ँ नफ़कीफ़ बसमिल्लर व अबरबी कल्यक़ी मोहतरम नादरीन वसामी अल्लाम वरम्त लबरक हकूक़ फ़राज इस सीरीज़ में आप तमाम का पुर्तपाक इस्तबाल हैं बात चल रही थी उम्र रसीदा लोगों के हकूक़ के सिलसिले में जो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ उनके सिलसिले में इस्लाम ने क्या तलीमत दी हैं इस सिलसिले में चंद अहम बातें पिछले दुरूस में आपके सामने रखी गई थी आज का जो हमारा मौजू है कि बुढ़ापा किस तरह गुजारना चाहिए कुरान हदीस में वैसे बचपन जवानी हर मरहले ज़िंदगी का जो मरल हैं बचपन जवानी बुढ़ापा हर मर मरहले के सिलसिले में खसूस हिदायत हैं तालीमात हैं आम हैं ख़ास हैं तो यहाँ पर बिलखसूस इंसान जब उम्र रसीदा हो जाता है बूढ़ा हो जाता है तो उस सिलसिले में क्या रहनमाई कुरान हदीस में की गई है जो तफसली तौर से जो है जो अहकाम दिए गए हैं जो तलीमत दी गई हैं उसको मुख्तर अंदाज में जो है आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूँगा सबसे पहली बात बुढ़ापे में इंसान को चाहिए कि अपनी उखरवी नजात की कसर से फिक्र करें आखिरत में वो कामयाब हो जाएँ अल्लाह की खुशनुदी उसको नसीब हो जाए जन्नत का परवाना उसको मिले कब्र के अजाब से वो बच जाएँ और जहन्नम के अजाब से बच जाए पुल सरात का मामला आसान हो और दीगर आखिरत के जो भी मराहल हैं उन मरल में उसको कामयाबी मिले कैसे मिलेगी इस सिलसिले में इंसान को फ़िक्र करना चाहिए बुढ़ापे में क्यों उसके बाद ये आखिरी मरहला है ज़िंदगी का उसके बाद कोई मरहला नहीं जीने का कोई मरला नहीं है बुढ़ापा ये आखिरी स्टेज है तो इंसान को चाहिए अपने अकीदे को मुकमल ज़िंदगी सहीदे को तस्लीम करें सहीदे को पहचाने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें सही मनहज क्या हैं उस पर ज़िंदगी गुजारें और बुढ़ापे में इंसान जो है कसरत से जो भी इबादतें कर सकता है अपनी ताकत के मुताबिक जो रुख़तें इस्लाम ने दी हैं उनको अपनाते हुए खैर के कामों में जो है अपना ज़्यादा वक्त करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सवाल किया तिरमिज़ी की सही रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे देखें मख्तल अवात अश खास अफराद के हिसाब से हालात के हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अमाल हैं किया हैं उस हिसाब से अल्लाह के नबी ने बेहतर करार दिया है तो यहाँ पर उम्र के हिसाब से अल्लाह के वसल्लम ने सबसे बेहतर कौन है आपने फ़रमाया मन तम्र होसन अमल कि जिसकी उम्र लम्बी हो औरल की उसको तोफ़ी मिले अच्छे काम करने की उसको तोफ़ी हासिल हों ये सबसे बेहतरीन इंसान तो अल्लाह के नबी सा से ये भी सवाल किया गया कि सबसे बुरा इंसान कौन है सबसे बदबخت इंसान कौन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मन तला उम्र हो वमल कि जिसको लंबी उम्र तो मिले लेकिन उसको बुरे आमाल जो है इंसान बुरे आमाल करे और हसन अमल की तोफ़ी ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि इंसान लंबी उम्र आज देखिए हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र उसको मिले और बाकायदा लोग जो है बाद ऐसे भी मिलते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे उसको लंबी उम्र की दुआएं दें हर एक जीना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में रहना चाहता है लेकिन सबसे बेहतर कौन है इसको भी हम मद्देनज़र रखना चाहिए हम ये कोशिश मांगे अल्लाह से इसमें कोई हर्ज की बात नहीं जैसे पिछले दरूस में मैंने जिक्र किया लंबी उम्र की दुआ कर सकते हैं ख्वाहिश कर सकता है इंसान लेकिन हसन अमल की भी तौफीक अल्लाह से मांगे हमारा आने वाला हर सेकेंड मिनट हर दिन आने वाली रात हर हफ़्ता और हर साल हमारा मुबारक होना चाहिए अच्छे आ, काम हम करें अच्छी प्लानिंग हमारी हो इबादत में आगे बढ़ें इबादत का शौक़ हमारे अंदर ज़्यादा ज़्यादा पैदा हो कुरान की तिलावत और दीगर जो भी फ़रज़ हैं वाजिबात उसके अलावा सुनन मुस्तहबात नफिल काम खिदमत खल के जो भी खैर खैर के जो भी काम हैं मुख्तलिफ उसको अंजाम देने की इंसान कोशिश करें ये सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है इसकी हमें फ़िक्र करना वरना इंसान लंबी उम्र पाए और गलत उसकी प्लानिंग हो गलत आमाल और अंजाम दे तो उसके लिए वबाल जान होगा आने वाली हर घड़ी हर लम्हा उसके लिए वबाल होगा आज़ाब में इजाफ़े का बायस होगा अगर वो इंसान अपनी उम्र को जो है अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी में गुजारे तो बहुत बड़ी जो है नादानी है बदबखती हैं अल्लाह हम तमाम की इससे हिफाज़त फरमाए आमी मोहतरम नादरी बुढ़ापे की उम्र को आम तौर से जो है आराम करने की उम्र समझा जाता है इंसान जब अपने कामों से रिटायर्ड हो जाता है ख़ास तौर से कोई वजीफ़ा याब हैं और उसकी जो है पेंशन जब जारी होती है रिटायर्ड हो जाता है आम तौर से लोग उसको समझते हैं कि अब मैं मेरी तमाम ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं और मुझे आराम करना चाहिए लेकिन दुनिया के अतबार से दुनियादारों के लिए मरहला आसान हो सकता है आराम करने का लेकिन एक दीनदार इंसान एक मुसलमान एक सच्चे मोमिन के लिए आराम करने का वक्त नहीं अपना हिसाब करने का व अपना मुहासबा करने का वक्त है अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने का वक्त है कि मैंने बचपन से आज तक क्या किया कहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा कहाँ अपनी जवानी जो अहम मरहला है ज़िंदगी का जवानी कहाँ मैंने सर्फ़ की उसमें क्या हमसे कोताहियाँ हुई क्या हमसे सुस्ती गफलत हुई किन गुनाहों का मैंने इतक किया अल्लाह को मैं कैसे राज़ी करूँ इसकी फ़िक्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अल्लाह <स्था> की इबादत में जो है अपने वक्त को गुजारने की कोशिश करें आगे बढ़ने की कोशिश करें हर खैर के काम में आगे बढ़ें सुर हिजर की आखिरी आयतों में अल्लाह ने कहा व अब रब का हत्या यकीन आखिरी आयत ननानवे आयत आयत नंबर अल्लाह ने कहा कि अपने रब की इबादत करो का कब तक हत्या याती यकीन यकीन आने तक यकीन से मुराद यहाँ मौत है वो यकीन नहीं है जो सूफिया लेते हैं सूफ़ी कस्म के लोग लेते हैं गलत मनहज पर चलते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला है इंसान अगर वहाँ पहुँच गया तो फिर तमाम चीज़ें माफ़ हो जाती तमाम चीज़ों से माफ साखित हो जाती हैं और बहुत सारी रुखसतें वो चाहते हैं कि रुखसतें उनको मिलें हराम चीज़ों का भी इरतक नवज़ बिल्ला करते हैं शरीत की कोई पाबंदी नहीं वो यकीन मुराद नहीं यहाँ पर बिल्कुल ग़लत है जो इसकी ग़लत तबसर और तावील की जाती है बल्कि यकीन से मराद यहाँ मौत है मौत आने तक अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की इबादत अल्लाह के नबी सा हमारे नबी प्यारे नबीम ने ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक आपने जो है अल्लाह की इबादत की और जब अल्लाह ने माफ़ी का ऐलान किया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाल्ह ने माफ़ कर दिए उसके बाद और कसरत से अल्लाह के नबी सा इबादत की रातों में इतना लम्बा क़ियाम अल्लाह अकबर के पैर आपके सूच जाते थे लोगों ने सवाल किया कि इतनी मेहनत आखिर क्यों करते हैं। तो आप सासू ने कहा अफला खून आप दन कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ कि अल्लाह ने मुझ पर इतने एहसाना किए अल्लाह ने और ये ख़ास एहसान कि अल्लाह ने मेरे अगले पिछले तमाम गुना हालाँकि अल्लाह के नबी ने गुना नहीं किए छोटी छोटी जो भी इंसान होने के नाते जो भी होता है अल्लाह के नबी ने उसको इससे तबीर किया कि अल्लाह ने ये एहसान किया मुझे इतना बड़ा मकाम दिया और इतने एहसाना फरमाएं तो मैं चाहता हूँ अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन इसी तरह दीगर तमाम अम्बिया किस सिलसिले में अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि बुढ़ापे की उम्र में तक उन्होंने जो है इबादत की अल्लाह की बंदगी की तौर से इब्राहीम का मैं जिक्र करके आगे बढ़ूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं अल्लाह ताला से की थी कहामदिल्लाधि वाह ली अलल बरी इस्माइल व इसहाक़ अल्लाह की तारीफ़ की कि अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे की उम्र में औलाद अता की इस्माइल और इसहाक़ की शक्ल में इन्ना रब्बी लसमी दुआ रब्बी जनी मुकीम सला थी उमिन दुर्रियती रब न वकब्बल दुआ रब न फिरली वलीवाली नौमकुमिसाब देखिए बुढ़ापे की उम्र में तौफीक अल्लाह से मांगी नमाज अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना मुझे और मेरी औलाद को मेरी नस्ल को तोहेद पर साबित ख़दम रख शर्क से और गुनाहों से अल्लाह बचा और मुझे तो नमाज का नमाज़ क़ायम करने वाला मुझे और मेरी औलाद को और आखिर में आपने मखफ़ुरत की दुआ मांगी अल्लाह से अपने लिए अपने वालदी के लिए और तमाम ममिनों के लिए ये कोशिश हमारी होनी चाहिए इसी तरह अताबिन नबी रबा जो मशहूर ताबई हैं हर में मक्की के आप मुफ्ती कहलाते थे बुढ़ापे की उम्र को पहुँचें उनके बारे में लामा अबिन्य ने ज़िक्र किया है कि आशा समानी व समानी न कहते हैं अट्ठा साल एटी, ए, एटी एटी एट ईयर्स एट उनको मिले उम्र इतनी लंबी हो गई उस उम्र में भी अल्लाह अकबर लंबा लंबा क़ियाम करते हैं। और शुर बकरा के दो सौ आयतें दो दो, दो सौ आयतें जो हैं आप पढ़ते एक रक़ात में और बिल्कुल खुशो ख़ुदों के साथ कोई हरकत नहीं होती कहते हैं लजोलॉमिन हुसर्रक के कोई हरकत भी नहीं होती इतमिन से सुकून से जो है इतनी लंबी उम्र में भी इबादत करते अल्लाह अकबर ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं इमाम दाहबी रहम ने अबुल खासिम बगवी बागवी रम्ही के बारे में लिखा है स़र आला मिनबला जल नंबर चौदह पेज नंबर जो है फ़ोर फिफ्टी सिक्स में चार सौ छप्पन में कि 103 साल की उम्र आपने पाई 103 साल की उम्र अल्लाह अकबर कहते ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी दूर दराज से जो है तलबा आते हैं। और इल्म के मुतलाशी आपकी खिदमत में हाजिर होकर जो है आपसे इल्म हासिल करते हैं। ये सिलसिला कहते हैं वफात तक जारी रहा अल्लाह अकबर और देखिए ख़ाल अल्लाह के रास्ते में लड़ना सबसे अफज़लमल हैं अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अफजल आमाल में से हैं और ये जो है नौजवानों का काम है लड़ना खिताल करना जो है नौजवानों के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं लेकिन तारीख में ऐसे शख्सियात ऐसे अफराद भी गुजरे हैं अल्लाह वाले जिनको बुढ़ापे की उम्र में भी ये जज्बा था अल्लाह के रास्ते में लड़ने का शहादत पाने का जन्नत में आला मकाम हासिल करने का सात बिन खैसमा रज़ी अल्लाह तंग बदर के मौके पर सात बिन खैसमा कहते हैं उनके घर में जो है सात वो और उनके वालिद ख़ैसमा दो ही जो है जंग के काबिल थे लेकिन एक का घर पर रहना ज़रूरी था घर के जो भी फ़राइज़ हैं वाजिबात अदा करने के सिलसिले में तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा मैं बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गया हूँ अब मेरे पास उतनी ताकत नहीं और मेरी ज़िंदगी का आखिरी मरहला है उसके बाद मुझे ऐसे ही मरना है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मौका दो कि मैं जंग में शिरकत करूँ और शहादत मुझे पाने की ख्वाहिश है लेकिन क़ुरा डाला गया बहस हुई दोनों में तकरार हुई क्योंकि नेकी में शबकत करना था कोई आम माम, मामला नहीं था शहादत पाना एक अज़ीम मकाम और जंग बद्र का मामला था जिसकी काफ़ी फजीलत बाद में जो अल्लाह ताला ने ऐलान किया ये ख्वाहिश थी जज्बा था बरहाल क़ुर डाला गया लेकिन कुरे में जो है बेटे का नाम निकला साद रदी अल्लाह का नाम निकला और उस जंग में वो शिरकत की और बाप से कहा कि अबा जान ये जन्नत का मामला है जन्नत का मामला है हसूल शहादत का मसला है मैं इस मामले में आ, किसी और को तरजीह नहीं दे सकता अपने ऊपर तो आपने जो है शिरकत की और शहीद हो गए फिर जंग बदर के बाद दूसरी जो जंग हुई जंगद में खैसमा ख़ैसम रौदी अल्ला शिरकत की उसमें जामे शहादत नोश की इसी तरह अबू अय्यूब अंसारी रौदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेज़बान बने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए तो आपके मेहमान थे अबू अय्यूब अंसारी रौदील्ल्ह बुढ़ापे की उम्र में आपने शहादत नसीब फ़रमाई उनको शहादत नसीब हुई शहादत आपने नोश फरमाई खुसून दुनिया की जंग में आप शरीक हुए बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए इसी तरह मूसा बिन नसीर रहा बनोमैया की खिलाफत का दौर उसके मशहूर जो है कमांडर आप गुजरे हैं आप अपने बारे में फ़रमाते हैं अल्लामा इमाम अल्लाम ज़ाहबी अल्लाम रहमतल आल ने अपनी मशहूर कितासियर आला में नबला जिल नंबर चार सफ़र नंबर चार सौ नन्ानवे में फ़ोर नाइन्टी नाइन में आपने ज़िक्र किया उन्होंने फ़रमाया माँ नखलमसलिमूना मै नखबन मुंदू एक्तमत एक तहमबाइन अलाशारफ्तुलसमान कहते हैं चालीस साल से मैंने मुसलमानों की क़ियादत शुरू की मेरी उम्र चालीस साल की थी अस्सी साल तक बराबर क़ियादत करता रहा और मुसलमानों ने कभी भी मेरी क़ियादत में शिकस्त नहीं खाई अल्लाह के बार देखिए ज़िंदगी का जवानी ख़त्म हो गई थी आपकी उस वक्त आपने क़ियादत शुरू की और अस्सी साल तक चालीस साल बराबर लड़ते रहे अल्लाह के रास्ते में इस्लामी तालीमत पहुंचाते रहें और जो हैं खिताल करते रहें इस उम्र में आखिरी उम्र में अल्लाह अकबर इस तरह देखिए बुढ़ापे की उम्र में चाहिए कि इंसान कसरत से अल्लाह का जिक्र करें बुढ़ापे की उम्र में बड़े बड़े काम तो इंसान जिस्मानी जो काम होते हैं जो जवानी में इंसान कर सकता है बुढ़ापे में नहीं कर सकता तो ये ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र आसान है अल्लाह का जिक्र जिसके लिए वज़ु भी शर्त नहीं है इंसान जहाँ रहे जिस हालत में रहें उठे बैठे चलते फिरते जो है अल्लाह का जिक्र कर सकता है अल्लाह ने ऐसे लोगों की तारीफ़ भी की है और अल्लाह के नबी सा का मामूल भी था का नज़कुरफी सही मुस्लिम की रवायत मन मोमिन तफर अल्लाह के नबी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे उठते बैठते चलते फिरते ख़ास से वो असकार जो अल्लाह के नबी से सबित हैं जिसकी काफ़ी फ़दीलत है उसको उसका विरद करते रहे सुबह लल्ल बिहंद ही सुबहानल्लादीम मीज़ान को भर देते हैं क़लिमात व सुबहानल्लामदिल्ला ला अला अकबर बाकियात उस कहा गया और पूरी दुनिया जिस पर सूरज तुलु होता उन तमाम पूरी दुनिया से बेहतर हैं कलीमात ला अल्ला सबसे अब्दुल कलीमा हैं साथो आसमान और ज़मीन को परा तराजू के एक पड़्रे में रखा जाए और ला अला को दूसरे में तो ये पड़्रा जो है ला अला का भारी होगा इसी तरह अल्लाह कहना अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेकियों से ज़मीन व आसमान का जो फ़ासला है भर देते हैं अल्ल अकबर अल्लाह व सुबहानल्ला बहमदही अदा कलक़ ही और अरशी उम्माद कलीमाती ये जो है कई घंटों की इबादत से बेहतर है इन कलीमत का अदा करना अल्लाह अकबर इस तरह जो भी कलिमा ला ला व कलीमला इल्ला है ये जन्नत का ख़ज़ाना है पूरी दुनिया का ख़ज़ाना भी जमा करें लाह कवत अला बिल्ला का जो सवाब है उसको नहीं पास उसके बराबर ही नहीं कर सकता दुनिया का पूरा ख़जाना अल्लाह अकबर। इस तरह के जो भी अच्छे क़लिमात अल्लाह के नबी साहब जो भी असकार जिसकी काफ़ी फ़दीलत आई ख़ास तौर से उसका अहतमाम करना चाहिए इसी तरह सदक़े जारिया के जो भी काम हैं कि मरने के बाद भी जिसका स्वब मरने के बाद इंसान के अमाल ख़त्म हो जाते हैं उसका सिलसिला बिल्कुल मनखते हो जाता है लेकिन अल्लाह के नबी साहब ने तीन चीज़ों का जिक्र किया जिसमें सबसे पहले कहा सदिन जारिया सदक़ जारिया जिसकी तिरमीजी सुन तिरमीजी की रिवायत में उसकी तफसीत भी अल्लाह के नबी ने कई मिसालें दी कि इंसान जो है किसी को कुछ तालीम दे दे कुरान हदीस की तालीम सिखाएँ और कोई मसहब जो है मस्जिद के लिए वफ़ कर दे कोई नहर जारी कर दे इस तरह के जो भी अच्छे काम हैं निकी के काम हैं मुसाफिर खाना बना दें यतीम खाना बना दें मसाजिद मदारस बना दें जो भी ताकत अल्लाह ने दी है माली ताकत और जो भी इंसान कर सकता है हसब इस जो है सदक़े जारी ऐसे काम जिसका मरने के बाद भी उसका सिलसिला अमाल का जारी रहे, काम करना चाहिए कोशिश करना चाहिए इसी तरह ज़िंदगी में जो है उम्र में इंसान को बहुत सारे आवारिस पेश आते हैं परेशानियाँ लायक होती हैं जिनसे तंग आकर बसा अवत इंसान हिम्मत हार बैठता है ऐसे मौके पर सब्र जब्त से काम लेना चाहिए सब्र से काम लेना चाहिए परेशान नहीं होना ज़्यादा और कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए सब्र करें अल्लाह से तोफ़ी मांगे साबित सबित के अल्लाह से दुआ करें और मौत की तमन्ना ना करें मौत को याद करना अलग चीज़ है उजक़र विक्र हाज़म लज्ज़ात हर एक को अल्लाह के नबी सा ने हुक्म दिया कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को याद करो मौत को याद करने से इंसान का दिल नरम होता है मौत को याद करने आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है अच्छे काम करने में इंसान रगबत करता है बुरे कामों से बच जाता है लेकिन मौत की तमन्ना नहीं करना बुढ़ापे में परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं उठना बैठना मुश्किल हो जाता है बीमारियाँ अगर ऐसी बीमारियाँ जो हमेशा रहने वाली अगर लाख हो जाए इंसान बहुत परेशान होता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं इंसान हिम्मत से काम करे सबरोज़ और हौसला अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और अगर ज़्यादा इंसान जो कह सकता है इस सिलसिले में अनसर अल्लाह तहन से जो रवायत मरवी है सही बुखारी में अगर इंसान को कोई परेशानी या कोई बीमारी ऐसी लायक हो गई हैं कि सब वो जब बर्दाश्त से बाहर हैं इंसान अगर समझता है इतना अल्फाज अदा कर सकता है अपनी ज़बान से ये दुआ कर सकता अल्ल माहिनी मा खानतिल हयात खैर अली जब तक मेरा ज़िंदा रहना बेहतर है मुझे ज़िंदा रख ये कह सकता है इंसान ये दुआ करे अल्लाह से व तो्फ़ा नहीं कर तिलवफ़ा तो खैर अल्ली और जब मेरे लिए मरना बेहतर है अल्लाह मुझे मौत दे क्योंकि पता नहीं कि इंसान कभी बद दुआ करता अपने लिए गलत दुआ करता है हो सकता है कि उसका और कुछ दिन कुछ महीने कुछ साल रहना उसके लिए बेहतर हो तोबा कर ले और अच्छे काम कर सकता है निकियाँ कमा कर जो है पिछला जो भी बुरा हिस्सा बुरा जो आमाल हैं उसके कफारे के सिलसिले इन यब न सयात नेकियां जो हैं बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं इंसान को हो सकता है कुछ मौक़ा मिले और वो अल्लाह से तोबा करे माफ़ी मांगे अल्लाह को राज़ी कर लें जिस रब को उसने नाराज़ किया हमने नाराज़ किया हो सकता है और कुछ दिन रहना हमारे लिए मुनासिब हो तो हम बद ना करें अपने ख़िलाफ़ और ग़लत दुआ ना करें अल्लाह से मौत की तमन्ना ना करें मौत को याद करें ज़रूर उसकी फ़िक्र करें उसके लिए सही कोशिश करें मेहनत करें अल्लाह के नबी से बहुत सारे साबित हैं उसका अहतमाम करें इंसान ख़ैर मांगे अल्लाह से शर्स जो है हिफाजत की दुआएं करें इसी तरह हम जानते हैं कि बुढ़ापे का एक मरहला आखिरी जो स्टेज है अर्दले उम्र अर्दिल उम्र जिसको कहा गया कुरान में यह ऐसा ज़िंदगी का स्टेज है बुढ़ापे का कि जिसमें आधा जवाब दे देते हैं इंसान के जिस्मानी आदा सब कमज़ोर हो जाते हैं जिसम घुलने लगता है जहनी और अखली कैफियत में फ़र्क़ आ जाता है इंसान कुछ भी नहीं कर सकता साहेब फ़रीश हो जाता है बिस्तर का हो जाता है और इतना कमज़ोर इतना मोहताज होता है गोया उसका बचपन लौट के आता है बचपन जो है लौट के आता है बचपन में जैसे बच्चा छोटा मासूम बच्चा हर अपने काम के लिए दूसरों का मोहताज होता है तो अर्जिल उम्र ये ज़िंदगी बुढ़ापे का आखिरी स्टेज है मरहला है जहाँ इंसान कुछ नहीं कर सकता तो ऐसी उम्र से जो है अल्लाह के नबी सास ने पना मांगी है अल्लाह के नबी से जो दुआएँ हैं सुनन तिरमी की रिवायत रदी सदर उदील्लाह से मरवी हैं अल्लाह के नबी साम कई चीज़ों से आप नमाज के बाद जो है पना मांगा करते थे जिसमें बुजदली और बखीली और अल्लाह के नबी ये भी कहते हुआ दबी का मिन अल्लाह मुझे अर्दिलम्र से मैं तेरी पना चाहता हूँ तो हमें यह दुआ इसका अहतमाम करना चाहिए तो बुढ़ापे में जो है इंसान हर नेकी हर अच्छा काम करने की कोशिश करे जो उसकी ताकत है रुखसतों को अपनाते हुए जो है इंसान कोशिश करे कसरत से कुरान की तलावत हो और जिक्र असकार हो कोई मुफीद काम इंसान करें खास हो ऐसे काम जैसे मैंने कहा सदे जारिया के काम इंसान कोशिश करे करने की अल्लाह से तोफी मांगे गुनाहों से तोबा करें बार बार अल्लाह से मगफ़रत मांगें और जो भी अच्छा काम कर सकता है उसकी प्लानिंग इंसान करें दूसरों की रहनमाई करें अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं वो शेयर करें नौजवानों को शेयर करें अपने ख़ानदान के खास कबीले ख़ानदान के जो अफराद हैं ख़ास तौर से या जहाँ तक वो कर सकता है कोशिश करें लोगों की लोगों को मशुरा अच्छे मशवरे मुफीद अपनी ज़िंदगी के तजुबा शेयर करें हो सकता है कि उससे लोग आ, उनके लिए आसानियाँ हों वो भी और मज़ीद बातें जजीद काम वो कर सकें बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें तो आइडियल बनने की इंसान कोशिश करे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ी अतः फ़रमाएँ उसने अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए लंबी उम्र अल्लाह दें और जब तक हमारे लिए बेहतर हैं, अल्लाह जिंदा रखें ख़ातिमा हो तो ईमान पर ख़ातिमा हो उसने ख़ातिमा नसी फ़रमाए आमीन मुबीन और अलैकुम व असलकम व वबरकू